वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास को किस तरह से यूज़ करते हैं डायरेक्शंस को पता लगाने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और मेरे चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल ज़्यादातर सभी के पास स्मार्टफोन्स होते हैं और इन स्मार्टफोन्स में ऑलरेडी एक मैग्नेटोमीटर लगा होता है जो कि एक कंपास की तरह फंक्शन करता है, लेकिन सभी स्मार्टफोन्स में ये फीचर अवेलेबल नहीं होता है। और मान लीजिए आपके स्मार्टफोन में ये फीचर है भी और आप कहीं दूर जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है और आपके पास पावर बैंक भी नहीं है और कोई और तरीका नहीं है जिससे आप वापस फ़ोन को चार्ज कर सकें, और आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपको डायरेक्शंस का पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप वहां से रास्ता भूल गए हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में आपको हमेशा अपने पास एक मैग्नेटिक कंपास ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास हमें डायरेक्शंस को पता लगाने में बहुत हेल्प करती है। जैसा कि स्क्रीन पर आप सामने देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक कंपास है और इसमें हम किस तरह से डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि इसको किसी फ्लैट सरफेस पर रख दें, या तो आप अपने हाथ में ही इसे रखें या किसी फ्लैट सरफेस पर रख दें, आप देखेंगे कि इसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है। जब ये नीडल स्टेबल हो जाए तो आपने हल्के से कंपास को घुमाकर जहां नॉर्थ लिखा है मींस कैपिटल एन लिखा है उसे इस नीडल के पास घुमाकर ले आना है। यही नॉर्थ डायरेक्शन है और इसके जस्ट ऑपोजिट साउथ डायरेक्शन होता है, और नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है नीडल, इट मींस राइट साइड पर ईस्ट होगा और इसके लेफ्ट में वेस्ट होगा। तो इस तरह से आप किसी जगह पर अगर डायरेक्शंस पता करना चाहें तो आप इस मैग्नेटिक कंपास के थ्रू पता लगा सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हैं तो वहाँ से क्लॉक वाइज चलेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पर ईस्ट डायरेक्शन आपको मिलेगी, 180 डिग्री पर आपको साउथ डायरेक्शन और 270 डिग्री पर आपको वेस्ट डायरेक्शन मिलेगी। तो जब कभी आप ट्रैवल करें आप अपने साथ उस प्लेस का मैप ज़रूर रखें और अपने साथ एक मैग्नेटिक कंपास हमेशा रखा करें, सो दैट यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम। इसी बात को और अच्छी तरह समझाने के लिए आगे मैंने एक प्रॉब्लम सम लिया है जिसमें कि एक पैरट है एंड इट्स फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, इट टर्न्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू राइट, इन विच डायरेक्शन इज इट फेसिंग नाउ। एक पैरट जो कि वेस्ट की तरफ उसका फेस है वो 90 डिग्री पर टर्न करता है टू इट्स राइट, तो राइट साइड पर जब भी टर्न लेंगे तो मैंने आपको बताया है क्लॉक वाइज चलेंगे, तो क्लॉक वाइज अगर ये जाता है 90 डिग्री पर तो फिर ये नॉर्थ डायरेक्शन में इसका फेस हो जाएगा, तो नाउ इट्स फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आई होप आपको अब ये डायरेक्शंस बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको कभी भी इसके बारे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।